पैनामा फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलों की समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट कुछ देर में फैसला सुनाएगी। लंदन फ्लैट्स की बेनिफिशियल मालिक मरियम नवाज हैं। फेयर ट्रायल पर समझौता नहीं होगा। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। नैब की एक हफ्ते में हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस पर अपील दायर करने की यकीन दहानी। कौम को मुबारक हो, दूसरा केस भी जीत लिया। नैब अब केस दायर करेगी। शेख रशीद कहते हैं हुदैबिया मदर ऑफ क्राइम है। एलएनजी केस में शाहिद खाकान अब्बासी और बड़े बड़े टाइकून मुलविस हैं। N120 में जिमनी इलेक्शन, अवामी फैसला आ गया। सिटी न्यूज नेटवर्क के सर्वे में कुलसुम नवाज 55% नतायज के साथ आगे। 40% वोटर यास्मीन राशिद के हामी। सर्वे का हिस्सा बनने वाले वोटरों के लिए 10 कैश इनामात और एक मोटरसाइकिल का ऐलान। मार्का लाहौर का सियासी महाज गरम। N120 में इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज, जोड़ तोड़ और वोटरों को मनाने का सिलसिला तेज। कुलसुम नवाज के कागजात नामजदगी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज। समाज तक हल्के में जिमनी इलेक्शन रुकवाया जाए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर की दरखास्त। पीपल्स पार्टी का सिंध में कप्तान को अवामी सतह पर टफ टाइम देने का फैसला। पीटीआई के मुकाबले में जलसों का फैसला। कल दादू में पावर शो होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। लाहौर के इलाके काना में तेज रफ्तार ट्रक की जद में आकर 3 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी, ड्राइवर फरार। कराची से नजफ के लिए पीआईए की पहली परवाज रवाना। इराक में पाकिस्तानी सफीर का भी मुसाफिरों के साथ सफर। हफ्ते में 3 रोज, हफ्ता, मंगल और जुमेरात को परवाजें जाएंगी। और कजाफी स्टेडियम का मैदान, शाहीनों का होगा इम्तिहान। पाकिस्तान और वर्ल्ड 11 का आज फाइनल मार्का। डुप्लेसी और सरफराज ट्रॉफी के लिए पराजुम।